और बता बच्चे, क्या हाल है तेरे? अच्छे सर। कहाँ कहाँ है? राजस्थान में? दौसा डिस्ट्रिक्ट है सर एक। अच्छा, राजस्थान में दौसा से है। जी। पापा क्या करते हैं? अब तो रिटायर हो गए हैं, प्रिंसिपल थे, मतलब प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर। राजस्थान स्कूल में? हाँ, सीबीएसई में। नहीं नहीं, राजस्थान। राजस्थान स्कूल में, बहुत बढ़िया। वहाँ भी दौसा डिस्ट्रिक्ट में भी एक टाउन है, वहाँ से हूँ मैं। कहाँ से? सिकराय नाम का है। सिकराय? सिकराय ऐसा ही क्या आ रहा है आप शायद मेहंदीपुर बालाजी? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, वो वहीं है बस, बिल्कुल। अच्छा, 10 या 12 किलोमीटर है वहाँ से। तो पढ़ाता था क्या तो इससे पहले? नहीं सर। तेरी आवाज़ में तो टीचर वाली धमक है, मतलब क्लियरिटी है, नहीं लग नहीं रहा? और टीचर जिस कॉन्फिडेंस में बोलता है उस कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। अरे सर, पढ़ा तो मैंने, पढ़ाया तो है नहीं कभी भी। हाँ, पर आवाज़ साफ सुथरी है। चलिए, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरी बहुत बच्चे मिलते हैं ना, उनमें बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी आवाज़, टीचर के लिए ना एक बेसिक गुण होना चाहिए कि आवाज़ साफ सुथरी रहनी चाहिए, है ना? आवाज़ साफ बच्चे को समझ में आए, बहुत बच्चों को मिलती है। पर तेरे में कॉन्फिडेंस अच्छा है। एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, वो पढ़ाते हैं, वो क्या ना काफ़ी हार्डशिप से फेस किया, उन्होंने जो 12th के बाद ही पढ़ाना चालू कर दिया, अब तो दिल्ली में टीचर हो गए, तो शायद हो सकता है उनकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ हो मुझे। अच्छा, बढ़िया चीज़ है जी। तो पापा कब रिटायर हुए बेटा तेरे? अभी हुए थे सर, अगस्त 2022 में। 2020। और अभी तक किस पोस्ट पे हुआ सिलेक्शन? मैंने सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया था इस बार। अच्छा, ITI। कारण? सर, पोस्ट जो मुझे लाइक पसंद आई थी, प्रोफाइल वगैरह, वो मुझे इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली पसंद आई थी, ईडी। मैंने बात भी की AEO, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। हाँ, असिस्टेंट। तो नाम बड़ा लगता है उसका सुनने में भी। पर आज के टाइम में इनकम टैक्स सबसे प्यारी पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा बच्चे जिनकी रैंक ठीक है वो जा भी उधर ही रहे इनकम टैक्स की तरफ। मतलब पर्सनली जैसे होता है ना, इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। अब मैं क्या ना, अकेला बच्चा हो नहीं घर का, जैसे आप अगर अकेले होते हैं, मैंने बात की थी, ईडी में वर्किंग है, वो पाँच नेक्स्ट ईयर वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन हेक्टिक रहेगा काम। तो आप ऐसा है ना कि आप वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा लेके चलना चाहते हैं, मुश्किल होगा। प्लस अभी कितने भाई बहन हो? तीन भाई हैं सर। तीन भाई जी। और बहन? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अच्छा, भाई में बड़ा छोटा तू सबसे? सबसे छोटा। और दोनों बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई हैं वो SBI एम्प्लॉई हैं, क्लरिकल कैडर में है अभी। दोनों? नहीं, बड़े भैया। अच्छा, और उससे छोटा? छोटे भैया है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहाँ पे? पहले हैदराबाद थे, अभी गुड़गांव में। यंत्र बापन सारे बच्चों को पढ़ा दिया? हाँ, ये तो है सर। तूने क्या ग्रेजुएशन की कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली? नहीं, ग्रेजुएशन ही किया। किस सब्जेक्ट से? मैंने बीटेक किया था। अच्छा, बीटेक कर रखा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बीटेक वाले बच्चे बहुत सेलेक्ट होने लग रहे हैं। एक दौर था जब तो बीटेक के बच्चे आ रहे थे, अब तो बीटेक। हाँ, कम हो गया एक्चुअली। 2009-10 के आसपास वो मैंने भी महसूस किया था, हम तो 9th-10th में थे तब। बूम था उस समय, उस जिससे पूछो सब यही इंजीनियर। उनको सबको ये लगता था ना कि 4 साल के बाद जॉब हो जाएगी। 4 साल के दो बूम जो था खत्म हो गया। तभी दोसा से आया कि यहीं कहीं रहता है? नहीं, मैं आया हूँ सर वहाँ से, यहाँ पे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, तो मैं वहाँ स्टे कर रहा था। इससे पहले फिर अभी फर्स्ट टाइम ही दिया था SSC? नहीं सर, SSC मैं दे रहा था, बट एक्चुअली जो कोर तैयारी थी मेरी वो सिविल सर्विसेज के लिए हो रही थी। अच्छा, UPSC कर रहा था। तो हर बार होता ये था कि इसकी जो डेट्स होती थी वो क्लैश कर जाती थी UPSC से। जैसे हाँ, मैंने 2018 में शायद मैं आया था, अब उस साल प्रीलिम्स हो गया था, क्योंकि स्लाइटली कह सकते हैं अब के कंपैरिजन में इजियर आता था हल्का सा पहले प्री। अच्छा। बट अगेन 11 सितंबर को इसकी मेंस थी CGL की, और 19 सितंबर से उसकी मेंस थी। तो फिर तूने UPSC दिया? तो फिर वही हुआ। फिर लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, लास्ट ईयर जनवरी में एक मेंस हुई थी ना इसकी। अच्छा। आई थिंक 30th January को हुई थी, 15-16 January को मैं उससे फ्री हुआ था UPSC से मेंस देके। अच्छा, और उसमें क्या रहा फिर UPSC में? उसमें सर फेलियर्स रहे, कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड। मैं 3 बार लिखा है मैंने मेंस। ऑप्शनल क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया जी। तभी कंटिन्यू कर रहा है उसको कि छोड़ रहा है उसको? नहीं, कंटिन्यू करूँगा, पर इस बार मैंने ब्रेक लिया उससे थोड़ा सा, क्योंकि 3 मेंस में से 2 मेंस मैंने फुल एफर्ट्स के साथ लिखे हैं। अच्छा। एक तो जो इनिशियल गलती होती है ना, आप दे देते हो प्री तो हो जाता है, मेंस के लिए नहीं होते। और जो दूसरा मेंस था उसकी गलतियाँ इस बार पकड़ के कुछ रेक्टिफाई की थी, दोस्तों से भी बात की। अच्छा। बट इस बार पता नहीं क्यों, अभी तक समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि क्यों नहीं हो पाया इस बार का मेंस क्लियर। बहुत अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डायग्नोसिस करके फिर नेक्स्ट ईयर। तरीका भी अच्छा। और कई बार क्या होता है कि हम एक चीज़ लगातार कर रहे होते हैं ना, और उसमें उतनी सफलता ना मिले, तो थोड़ा ब्रेक ले लेने में बुरा ही नहीं है। और उस ब्रेक से ज़्यादा बेटर तरीके से हम सेंस कर पाते हैं कि गलती कहाँ होती है। जी।
और यही सर जो कोर रीजन था ना, जो आपने सर पोस्ट का पूछा, कोर रीजन था। अच्छा, इनकम टैक्स में तो रैंक वन वाले लड़के ने क्या लिया है इनकम टैक्स? हाँ हाँ, मुझे पता चला उसने वही लिया इनकम टैक्स। थोड़ा सा लोकेशन का था सर कि अब जब रैंक है ही है तो आप लोकेशन के लिए। तो तुम्हारे वाले में तुम्हारे वाले, अच्छा रहना भी तूने तो दो सही होगा, आगे उसी राजस्थान में ही रहना चाह रहा होगा। तो वैकेंसी है कि नहीं इनकम टैक्स की? इतनी दो है यूआर की। हाँ तो बस तेरा तो काम हो गया। बता रही, मैं यही सोच रहा था, कुछ लोग, कुछ दोस्त दिल्ली का सजेस्ट कर रहे थे, आप बताइए आपका क्या सजेशन है जयपुर और दिल्ली में, अगर दोनों अपने पास। फैमिली कहाँ रह रही है? वही है दौसा, मतलब सिकराय में। हाँ तो जो सबसे नज़दीक फैमिली के हो पाए वो कर यार, दिल्ली सारा गंद हो गया इस समय, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि हम मतलब भाई हमने डिपार्टमेंट चूज कर लिया कि हमें इनकम टैक्स चाहिए, तो उसके बाद फिर तो नज़दीक ही देखना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। हाँ। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई कमाई करनी है, कमाई के मन में है कुछ? मैंने पूछ लिया था सर आईटी डिपार्टमेंट में, मैंने पूछा कि ऐसा ना हो कि है ना कि लोग इसके लिए जाते हो और वहाँ पे जाके मैं अटक जाऊँ, जो मेरा पर्पज़ है ना, जिसके लिए मैंने यूपीएससी की तुझे तैयारी करते हैं। हाँ, जिसके लिए मैंने वो अभी उसको छोड़ा था कि मैं ईडी ना जाऊँ, कहीं वो फुलफिल ना हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर चाहता भी है तो भी नहीं है, तो भी नहीं है ऐसा नहीं। अच्छा है, और ईमानदारी से जीवन जियो, उसी में मजा यार। और ये एंड नहीं है सर ग्रीड के साथ, ग्रीड का कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है। कितना भी कमाते रहो हमेशा कम ही लगेगा, कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ हमेशा कम लगेगी। तो पर आदमी है, करे क्या है, भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि उस चीज़ पे तो उसका हमेशा फोकस रहता ही रहता है, पैसे पैसे के लेके। पर अच्छी चीज़ है यार, तो शायद तेरे घर से तो तू ही मतलब तेरे भाइयों में तो तेरी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि एसबीआई तो बैंकिंग का हो गया ना। हाँ, अगर उसको आप वैसे ना वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी की थी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी वो, पर क्या ना बड़े होते तो एक दो काम इधर उधर के भी आते रहते हैं कभी कभी, तो जिम्मेदारी होती है, तो उस चक्कर में है ना फुल वो फुल फ्लैश्ड जो होता है ना वो चीज हो नहीं पाया। एक बार फिर वो लग गए, उसके बाद थोड़ा सा वो बोले कि यार घर के पास रहूँगा मैं, तुम लोग। अच्छा, तो वहीं की ब्रांच उठा रखी होगी नज़दीक एसबीआई की? अब पहले दूर थे, पहले तो एमपी बॉर्डर पे 12 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। इसमें भी तो शायद मैंने सुना है कि प्रमोशन के बाद ट्रांसफर मारते हैं बैंकिंग में। अब आप ये जा तो नहीं रहा ना इस पे? ना ना ना, वो इसीलिए तो क्या ना वो अभी वो तैयार नहीं है उसके लिए प्रमोशन के लिए भैया। बैंकिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रमोशन लेते ही नहीं है सिर्फ इसलिए कि फिर ट्रांसफर उठ जाए। हाँ, कोई तो वो इसके लिए कर ही नहीं रहे। बैंकिंग में एक और भी बुरी चीज है, पता है क्या कि अगर आपकी वाइफ भी जॉब में है ना, जैसे मान लो आपकी वाइफ है राजस्थान में टीचर है जी, और आपका बैंकिंग में महाराष्ट्र आ गया। अच्छा, तो बैंकिंग वाले वो मानते नहीं है उस चीज को, स्पाउस बेस पे ट्रांसफर को नहीं अलाउ करते। अच्छा, मतलब बहुत रेयर सिचुएशन में ही शायद अलाउ करते हैं, मुझे जो बच्चे आके बताते हैं। बैंकिंग की जो में बस एक वही दिक्कत है ट्रांसफर की, प्रमोशन लो प्रमोशन लेते हैं ट्रांसफर, और इसमें तो ट्रांसफर भी मेरे हिसाब से स्टेट से बाहर भेज देते हैं बहुत बार। पता नहीं सर उनका कुछ सर्कल का जोन का कुछ सिस्टम है, बट मुझे ये पता है कि वो इसकी वजह से नहीं ले रहे और अंडर यूटिलाइज हो रहा है उनका जो पोटेंशियल है ना, लेकिन वो तैयार है इसके लिए क्योंकि मैं घर पे रहूंगा, मम्मी पापा हैं, तुम दोनों अपने। और शायद सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वो इंक्रीमेंट शायद लगभग आ ही जाता है। और फिर एक वो होता है ना कि आप रोज अगर शाम को घर आ रहे हो, सबसे बड़ी चीज दो बच्चे भी हैं उनके, तो फिर अगर घर आ रहे हो बच्चे अपने बाबा के साथ खेल रहे हैं ना, तो फिर काउंट भी नहीं होता वो 5-7। और एक चीज और भी है ना कि जैसे अब हम ही है, शायद मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है कि मेरी दो बेटियां एक बेटा है जी। तो जो बड़ी वाली बेटी है उसका बचपन मुझे बहुत ज्यादा याद है नहीं। अच्छा, उसका कारण क्या होता था, पैसे के लालच के फेर में फंस गए थे हम, तो सारे दिन पढ़ाते थे, 14-14 घंटे पढ़ाते थे, सुबह 8 बजे से रात तक लगे रहते थे, संडे भी वीकेंड बैच उठाते थे, फिर अमाउंट में उसमें पढ़ाता था। अच्छा, और वो पैसे का लालच ऐसा होता है कि वो खत्म ही नहीं होता, आदमी लगा रहा है और एक घंटा पढ़ा लो और एक घंटा पढ़ा लो। कई बार काम में भी मजा आने लगता है, नहीं बहुत बार क्या होता है कि वो काम में मजा आता रहता है लेकिन उसके पीछे की चीज को हम नहीं समझते। आज भी मैं उस चीज को महसूस करता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा याद उसके बचपन की नहीं है, आज उस चीज को महसूस कर रहे हैं कि यार एक ना एक दिन ये पैसा तो यहीं छूट जाना है कुछ ना, लेकिन जानी तो यही चीजें याद ही जानी, और तो क्या है। तो पैसा बहुत जरूरी है भी नहीं और पैसे के पीछे भागना भी नहीं चाहिए, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप भागते हैं तो मिलता भी नहीं है कई बार, ये तो मैंने कई बार देखा है, कई बार चीजों को छोड़ देते हैं तब होता है। और जो आपकी किस्मत में है ना वो आपसे कोई छीनने का भी नहीं है, वो आपकी किस्मत में है तो वो आएगा, बस ठीक काम करते चले जाओ। जी जी जी। अच्छा, आप कुछ सवाल मैं तेरे से पूछता हूँ जी, क्योंकि तेरी रैंक इतनी अच्छी है, रैंक 3 है, और शायद भाई तू यूपीएससी का बच्चा है तो वहाँ की तैयारी कर रहा है,
तो तू ज़्यादा से अच्छे से गाइड कर पाएगा बच्चों को, एसएससी वालों को। जी अच्छा, पहले तो तू ये बता कि पढ़ा कहाँ से और ऑफलाइन पढ़ा था मेरे से कि ऑनलाइन पढ़ा हुआ तू? सर अभी फरवरी में मैंने ऑनलाइन ही बैच किया था आपका, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना। अच्छा तू तो अभी का ही बच्चा है। हाँ, कैरियल का ही है फिर। हाँ फरवरी में ही बैच किया था मैंने आपका। क्या ना कि कुछ कर तो रहा था मैं, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी फायदा है, आप कर लेते हैं मुझे, लेकिन मैंने फॉर्मल कोचिंग की भी नहीं थी। अच्छा तेरा तो मेन टारगेट यूपीएससी पे रहता था। हाँ तो मुझे ये था कि यार अब मुझे, अब क्या ना दिसंबर में मींस का रिजल्ट आ गया था यूपीएससी। समझ गया। जिस दिन इसका प्री था ना मेरा एसएससी का, उस दिन रिजल्ट आया था। तो उसके बाद नहीं हुआ तो एक महीना तो उसी में थे, क्योंकि बड़ा सेटबैक था, बट डेढ़ दो महीने बचे थे। अच्छा तो तूने तब लिया है एसएससी की कोचिंग? हाँ मैंने फरवरी में लिया था, इसलिए लिया था कि कुछ जैसे चैप्टर्स होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स के लिए होते हैं, कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं शायद मुझे ना पता हो। ना पता हो रहता ही है, और के लिए जो होता है ना, या ब्रश बिल्कुल जरूरी थी। कुछ नहीं हो तो आपके दिमाग से वो फियर ऑफ मिसिंग आउट तो निकल जाता है। मिसिंग आउट निकल जाता है। और बहुत बार क्या होता है ना कि किसी ने इतनी मेहनत करी हुई होती है और वो मेहनत बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है, वरना हमें खुद एक एक चीज समझनी हो तो टाइम बड़ा लग जाता है उस चीज में। हाँ फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर उसको पूरा टाइम देंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत एडवांस भी नहीं आती इसमें। नहीं आती, एसएससी आसान है, बहुत आसान है। बट वही है ना कि एक महीना तो क्या ना मैं उससे बाहर निकलने में आया, फिर उसके बीच में मेरा एक अच्छा यूपीएससी वाले उससे डायलॉग था, बड़ा सेटबैक था। फिर एक मेरा क्या ना ये हल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मैं बाइक साफ कर रहा था अपनी। अच्छा। तो चलती चेन में मैं स्प्रे कर रहा था। अच्छा। तो मैं सोचा इसको चेन को साफ कर देता हूँ, कर रहा था तो मजे ले लिए ऐसे हो गए। ये तो आ गई है थोड़ी सी ये जो आपको, तो ये हो गया था, ये हो गया इसके 10 ही दिन बाद टाइपिंग थी मेरी लास्ट ईयर सीजीएल की। अभी तो उंगली ऐसे भी नहीं हो रही थी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में भी इशू है, तो 5-7 दिन कुछ नहीं किया, फिर ऐसे ऐसे करके आया मैं। उसके बाद फिर डीवी था तो 14-15 जनवरी को उससे फ्री हो गया बोला। अब और फिर तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो तुम्हारे पास वो डिसिप्लिन तो था ही बैठ के पढ़ने का 10-10 घंटे का। हाँ सर वो है, मतलब वो सीटिंग हैबिट तो थी ना मेन, इसीलिए क्या ना मैंने थोड़ा सा कुछ कम दिन में भी ज्यादा चीजें। अच्छा तभी तुमने वीओडी लिया, अदरवाइज जो बच्चा नया होता है ना वो हमेशा लाइव में लेता है। जी जी VOD में यही फायदा होता है, जिसकी सीटिंग की हैबिट होती है ना उसको दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसको बैठने की आदत है तो वो अपने हिसाब से 2x की स्पीड में खटाखट खींच के आगे चला जाता है। एग्जैक्टली वही किया था वही, हाँ, वही होता है जिसकी मेन तो सीटिंग हैबिट है यार। अब हमको कोई कहे कि अब आप 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लो, नहीं होती यार, 2 घंटे में कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है हमारी। हाँ पढ़वा लो वो काम हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ही अंदर से बहुत जरूरी होती है। वही था सर, फिर मैंने दोस्तों से भी पूछा था, उसमें ये है ना कि वीओडी का एक कारण ये भी था कि अगर आपको सारे चैप्टर्स ही शुरू से पढ़ने तो एक बात, अब आपको अब जैसे रीजनिंग जो चीज जो चाहिए वो उठानी है जरूरत है। और सिर्फ मैथ ही पढ़ा कुछ और भी पढ़ा है? रीजनिंग का भी मैंने लिया था। सेम कौन से टीचर से? पीयूष सर से। पीयूष वार्ष्णेय सर बेहतरीन टीचर है भाई जी। और आप जानते हैं यूपीएससी में सब बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास जिनका सिलेक्शन होता है जी, वो सीसेट में बड़ी मदद लेते हैं इसे। हाँ कल पीयूष सर बोल रहे थे कि सीसेट में होता है, और सर आजकल हो क्या गया ना सीसेट गेम चेंजर होने लग गया है। अच्छा फिर से वो पोजीशन आ गई जो पहले हुआ करती थी? पहले तो क्या ना मार्क्स सेट होते थे, अब क्या ना सीसेट का लेवल पिछले 2-3 सालों में इतना ऊपर आ गया है। अच्छा कि अब मैं मेरा पर्सनली बता सकता हूँ, बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है लेकिन इस बार तो मुझे भी एफर्ट लगे थे अच्छे खासे। पहले तो हमारे एसएससी वाले बच्चे सबसे ज्यादा सीसेट यही निकाल के जाया करते थे। कुछ तो एक बार शुरुआत में जब आया था मेरे को याद है, उस समय तो हालत ये होती थी कि बच्चों को ये तक नहीं था कि मेंस में लेना क्या है ऑप्शनल, वो भी डिसाइड नहीं हो रहा होता उनका, और सी सेट दे आते थे और क्लियर हो रहा था। हाँ। क्योंकि इस चीज का, लेकिन अब हाँ, वो पहले दोनों पेपर ऐड होके शायद होता था, होता था। और फिर उसको हटा दिया था शायद 2-3 साल। अब सी सेट की फिर से इम्पोर्टेंस बन गई है। इम्पोर्टेंस इसलिए बन गई है क्योंकि 33% है उसके क्वालिफाइंग, लेकिन 33% लाने भी मुश्किल हो रहे हैं। और खास करके ना जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ना, मेरे एक दोस्त हैं वो काफी अच्छा उनका तैयारी रहता था, मतलब आप ये लगा लीजिए कि एक जो आईपीएस दोस्त है उनका और उनका सेम ऑप्शनल था, तो उन्होंने वो दोस्त को काफी गाइड किया था जो आईपीएस बना है ना, बट उनका आई थिंक 3 या 4 बार सीसेट में रहा, 6 अटेम्प्ट हो गए उनके। अब हालांकि उनको भी पता है कि ये मिस्टेक नहीं है, गुनाह हो गया, क्योंकि आपके अगर 1 या 2 सीसेट अटक जाते हैं ना तो आपको डेडिकेट। अच्छा सी सेट में मैथ का कुछ रोल है इम्पोर्टेंट या नॉर्मली है मैथ और रीजनिंग का? मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या कुल मिला के? सर इसी साल मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद जो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी शायद उनको समस्या हुई होगी, फंस रहे होंगे थोड़ा। हाँ क्योंकि कुछ कुछ अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि 1001 पेड़ है,
उनके बीच में इतना गैप है। तो आपको ये पता है कि 1000 एक पेड़ है, तो जो गैप 5 मीटर का है तो 1000 × 5 होगा, 1000 × 5 नहीं होगा। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है, तो कई बार लोग उसमें फंस जाते हैं। कई क्या है ना, डिविजिबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इसका जैसे यूनिट डिजिट क्या होगा, डिजिट क्या होता है। तो उसमें ये है कि टाइम मिलता है, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक सी भी है तो आप टाइम लगा के, जैसे मैंने ही खुद ने किए थे, जैसे पूछते हैं ना कि इनमें से कौन सा इससे डिविजिबल है, 11 से 12, तो आप चारों ऑप्शन चेक करके देख लीजिए। बट इसका मतलब बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है ना, उसको मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपना एक अच्छा अटेम्प्ट सी सेट के नाम पे कुर्बान करे। वो जरूरी नहीं है, जिसका बहुत अच्छा बेसिक हो पीछे से तैयारी, वो बेसिक एक बार सीधा अटेम्प्ट कर ले, नहीं तो अपना तैयारी करके चलो, वो ज्यादा बेटर है जी। वो अपना प्रीवियस ईयर पेपर देके देख ले जो है। और जो बच्चे, अब आपसे बात करें कि जो बच्चे ये VOD बैच लेते हैं, जैसे इसने मेरा VOD बैच ले रखा था, VOD बैच, बाकी बच्चा सच सही बताएगा क्योंकि ये उस मतलब उस पॉइंट से गुजरा है। ये चालू है क्या? हाँ ये चालू है। अच्छा, मेन क्या है कि VOD लेना उसी बच्चे को चाहिए जिसने पहले थोड़ा बहुत कोचिंग कर रखी है या पहले से तैयारी कर रखी, चाहे उसने पढ़ रखा हो GS, मतलब उसका कुछ एक तो सीटिंग हैबिट बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, है ना, VOD के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ है। नहीं तो VOD में तो कंसंट्रेशन ब्रेक होगा ही होगा, क्योंकि लाइव तो टीचर है ही नहीं, रिकॉर्डेड है, और शायद घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं उसको, और घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन बनता नहीं है, कोई ना कोई बीच में रोक टोक देता है। लाइव में तो ये भी है कि चलो टीचर पूछ रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि VOD जो सेशन होना चाहिए वो उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जो जिनकी पहले से तैयारी है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन तैयारी है जी। ये भी रैंक 3 जो बच्चा है, इसने भी जो किया है, इसको VOD से फ़ायदा मिला है, तो उसका कारण यही है कि इसने UPSC की पहले से तैयारी की है। तीन बार मीन्स लिख चुका है। तो 3 बार मीन्स लिखा है, तो इसकी सीटिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी। UPSC वाले बच्चे ब्रिलियंट होते ही हैं, मेहनत करने में डिसिप्लिन होता ही इनकी लाइफ में, क्योंकि वो मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो वहाँ तो भाई हर तरीके का पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। तो VOD मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए बेटर है जिन्होंने एक दो बार पहले कोचिंग की हुई है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग की है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी है। क्योंकि VOD में फ़ायदा एक यही लगता है कि आप जब जो चाहें जितना चाहें उतना देख सकते हैं, और नुकसान ये है कि जैसे कई बार नहीं होता कि रूटीन हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, 2-3 नोवल पड़े हुए हैं, अच्छा सा टाइटल दिखा, खरीद के रख लिया, बाद में 2-2 साल तक भी जाता है, रखे रह जाते हैं। तो VOD में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा। और तेरा नाम क्या है बेटा? नितिन अग्रवाल। अरे लाला जी, लाला जी हुए ना अग्रवाल तो। अच्छा हाँ, बट दुकानें हैं नहीं हमारी, क्या करें, ऐसा नहीं है, लालाओं के बच्चे बहुत सेलेक्ट हो रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। तो आप VOD लेते हो तो इस बात को जरूर सोचिया करिए, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, मतलब पहली बार ही तैयारी शुरू कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि लाइव बैच से आपको करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर आप पहले तैयारी थोड़ी बहुत भी कर चुके हैं तो फिर आप VOD पे चले जाइए। अच्छा ये बता के मतलब जेन्युइन बताइए मुझे जी, SSC की GS में मतलब कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? दूसरी चीज़ ये कि मतलब तैयारी तेरे हिसाब से, क्योंकि तेरी रैंक 3 है, वैसे तो तेरा GS तो वैसे भी अच्छा होगा। नहीं सर, ये पहले मुझे लगता था, बट जब मैं इसमें मुझे बताइए इसके ऊपर पूरा एक्चुअल, जो बच्चे को एक फायदा भी करे तेरी तैयारी के लिए, कितना एक्सटर्नल रोल रहता है, कोचिंग का रोल है नहीं है, कितना है जी, और कोचिंग लेने का फायदा है नहीं है। दूसरा, अगर जैसे भाई बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते ही नहीं है, तो उनको कहाँ से अपनी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, कि कैसे पढ़ना चाहिए? जैसे अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, एक लड़का था 15वीं रैंक, WO मिला उसको, वो मुझे बता रहा था, कह रहा सर मैंने GS की कोचिंग ली, और ये मैं उसके जेन्युइन कमेंट्स बता रहा हूँ, मैंने कोचिंग ली तो मेरे 50 में से 3-4-5 ऐसे नंबर बन रहे थे कोचिंग लेने के बाद भी। अच्छा भाई, तुम्हारे लिए आसान है ना GS, क्योंकि तुम तो उस समुद्र के अंदर बैठे हुए हो, और एक वो है जो उससे छोटी सी झील के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसके अंदर भी नहीं घुसा। तो बोला कि सर मुझे फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना GS के, उसको 5 बार एटलीस्ट रिवाइज कर जाओ, एक बार पढ़ो, अगली बार फिर पढ़ो, फिर अगली बार ऑप्शन वाइज, ताकि आप छटनी भी करते रहे। कहता सर मैं 3री-4थी बार जब उसको गो थ्रू हुआ ना उन सारे क्वेश्चन से, तो ये हो गया था कि मेरे 30-40% क्वेश्चन मतलब बनने लग गए थे,
और धीरे धीरे ये है कि मतलब मेरे 50 में से अगर मैं वैसे बोलूँ आपको तो बोले मेरे 25-30 नंबर ऐसे मेरे नंबर आने शुरू हो गए थे जीएस में, जहाँ मेरे 4-5 नंबर आ रहे थे जी। क्योंकि जिस बच्चे का जीएस ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, ये भी एक्चुअली 100% ट्रू नहीं है। अच्छा, बट मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। हाँ, आप कम कुछ बोल रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं, तू बता बता। हाँ, एक तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली हो गया जीएस, और ये हो गया वैसे डाटाबेस। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, मुझे खुद को एग्जैक्टली याद नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार कैसे किया, तो वो अच्छा दोस्त था, तो मैंने सोचा यार कि मैं आज नहीं, मैं तेरे को कल बताता हूँ। फिर मैं घर गया, फिर एक दिन मुझे होमवर्क करना पड़ा कि मैं कैसे देख रहा हूँ चीज़ों को। तब मैंने उसको बताया। क्या बताया? जो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। सबसे पहले तो जो बात थी कि आप 4-5 बार पढ़िए, है ना, फिर तो क्या ना, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे उनको तो फायदा नहीं होगा। पढ़ने से फायदा होता कैसे है कि आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आइडिया क्या है क्वेश्चन का, थीम्स क्या पूछी जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि एक थीम होती है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, वो पूछते हैं, है ना। तो बार बार सिर्फ ऐसे पढ़ना नहीं, आप कुछ कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं जीएस की। अच्छा, हाँ, ये मुझे पर्सनली लगा कि अच्छा है। आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि एक पोर्शन होता है स्टैटिक, ठीक है। जैसे कि आपको पूछेगा कि शायद इस बार आया था कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो उसमें 226 एक ऑप्शन था, ये पॉलिटी का स्टैटिक बेसिक पार्ट है, ठीक है जी। ऐसे ही कुछ इकोनॉमी में होंगे, कुछ हिस्ट्री में होंगे। हिस्ट्री में होगा कि भाई कि जैसे कि गांधी जी ने सिर्फ एक ही सेशन प्रिसाइड किया था, तो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का वो। तो एक पोर्शन है स्टैटिक जो आपको कर ही लेना चाहिए। ओके जी, और उसे करें कैसे, सिर्फ ऐसे पढ़ते रहें? हाँ, या रट्टा लगाएं? नहीं, अब यहीं पे क्या ना, बात ऐसी कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे मुझे डेफिनेटली फायदा हुआ है, क्योंकि हमने जितनी रिक्वायरमेंट यहाँ है उससे कहीं ज़्यादा पढ़ने को वहाँ पे जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या होता है ना, सारी कोचिंग्स जो होती हैं आपको उनकी अपनी बुक्स होती हैं, जैसे रेफरेंस बुक्स तो है ही, लक्ष्मीकांत, समझ गया, वो अपनी खुद की भी निकालते हैं जो उसमें समरी रखते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो अगर अगर एसएससी कोचिंग्स ऐसे रखती होगी आपकी क्वालिटी की हैंडबुक टाइप, जिसमें है ना आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना बेसिक दे रखा है, तो आप उसको पढ़िए, है ना, उसको पढ़िए और जितना याद होता है ठीक है। जहाँ पे आपको इशू आता है ना, तो उस चीज़ को याद करने का तरीका एक ही होता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा अंदर पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे जाके कहीं से भी जाके, समझ। उससे होगा क्या ना कि आपको एक उसका संदर्भ पता चल जाएगा, संदर्भ क्या है उसका, संदर्भ पता चल जाएगा, तो दिमाग को क्या ना रटने में मेहनत नहीं लगेगी। ऐसे करके जो स्टैटिक पार्ट है, हाँ, इसको आप डैम श्योर कीजिए कि आपने ये तो किया ही हुआ है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जहाँ पे सिर्फ करंट के क्वेश्चन आते हों, हमेशा स्टैटिक के आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। तो ये पहला कैटेगरी है जो आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा और रिविजन करना पड़ेगा। एक ही होती है, इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चन होते हैं ना, मंथली कंपाइलेशन शायद से आप भी निकालते होंगे, जो भी करंट अफेयर्स होते हैं। तो हमने तो एक सिस्टम बना रखा है कि शाम को YouTube पे डलता है हमारा, हाँ, 5 मिनट का डालते हैं, उसमें पूरे दिन का 5 मिनट में खटाखट खटाखट बताते हैं जी। तो बेटर रहेगा कि आप रोज उसको देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा सा ज्यादा एसएससी वाले बच्चे के लिए ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो इतनी जरूरत नहीं होती, फैक्ट्स कुछ ही होते हैं न्यूज आर्टिकल में, है ना। तो 5 मिनट का वो रोज देखिए, जो भी न्यूज एनालिसिस वगैरह आता है, और आप मंथ एंड पे उस कंपाइलेशन को उठा के क्या है ना, उसको पढ़िए और कोशिश कीजिए रिवाइज करने की, ताकि उसमें से ज्यादातर चीजें आपको याद सी हों। इससे फायदा ये होगा कि क्या ना कि दुनिया में चीजें रिपीट मोड पे चलती हैं, आप 4-5 महीने की अगर कंपाइलेशन पढ़ लेंगे तो क्या ना आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ इस टाइप की चीजों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई भी एपिसोड हुआ, अब अपने हमारे एमपी थे राहुल गांधी जी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, है ना। तो अब क्या ना उसमें क्वेश्चन ऐसे बनते कि कौन से शेड्यूल के अंडर हुआ, अच्छा कुछ फैक्ट होगा कि भाई वो अमेंडमेंट कौन सा था। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या ना, अगर आप कंपाइलेशन ना पढ़ के खुद से ही पूरा पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप जरूरत से ज़्यादा गहराई में चले जाएं उसके। जैसे आप ये भी पढ़ने लग जाएंगे 10th शेड्यूल में कौन कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यूपीएससी वाला बच्चा तो 2 साल एटलीस्ट मेरे हिसाब से देता है तैयारी, उनको जरूरत भी है उस चीज़ की। और एसएससी वाले ने देना 6 महीने जी, क्योंकि 6 महीने वो टिक जाए तो बड़ी चीज होती है लगातार, और वो 6 महीने में ही चाहता है, तो वो बहुत गहराई भी उतरना उसके लिए बेवकूफी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे तो मैं बोलूंगा कि आप कोई भी कंपाइलेशन पकड़ लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सब में सेम होनी है, सेम होती है। तो आप किसी भी कोचिंग का जो भी आपको पसंद है उसका एक कोई कंपाइलेशन पकड़ लो, उसको मंथली रिवाइज करते रहो, तो आपके ये दो पोर्शन है ना, स्टैटिक और करंट, ये हो जाएंगे कम्प्लीट। अब इससे बाहर अगर आता है ना, तो देखिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लें। बट अच्छा, तेरा जीएस में स्कोर कैसा था?
एवरेज था मेरा अच्छा सर था? नहीं ठीक था, मुझे लगा कि 20 करेक्ट 2 गलत हुए थे मेरे। अच्छा, और 3 तो नहीं छोड़े थे? 3 छोड़े थे मैंने। अब 3 जो छोड़े थे उसमें से भी एक क्वेश्चन ऐसा था कि वो मुंबई से थाने जो ट्रेन चली थी वो कौन सी थी। तो मैं जब एग्जाम खत्म हुई मैंने लोगों से पूछा जो कोर एसएससी वाले, उन्होंने एक मिनट में बता दिया उसको। हाँ, उनको क्योंकि ये फैक्ट ऐसा है ना कि आप बार 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 पढ़ते हो। तो जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी से जो फायदा मिलता है ना आपको वो स्टैटिक पार्ट में ज्यादा मिलता है, करंट में इतना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो फैक्चुअल डिटेल्स होती है ना वहाँ पे यूपीएससी वाले उनको ध्यान नहीं देना होता। तो एसएससी वालों को अगर ये लगता है ना ये यार जीएस है यूपीएससी का ही करेगा, तो ऐसा नहीं है। पर फिर भी 25 में 20 क्वेश्चन तक राइट करेक्ट जाना बड़ी बात है। नहीं ऐसा भी नहीं कि सारे मुझे पता ही थे, आई थिंक 2 या 3 तो ऐसे भी थे जो 50-50 होते हैं ना, फिर एक वाइल्ड गेसेस भी होते हैं, कुछ ऑप्शन से छाटना भी होता है। हाँ, और इस बार हाँ मैं आपने अच्छा याद दिलाया, इस बार का जो जीएस है वो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल था ज्यादा। अच्छा। नॉर्मली फैक्चुअल आता है, थोड़ा सा एनालिटिकल साइड पे गया वो जीएस इस बार वाला जी। तो मतलब जो तूने मोटे मोटे तौर पे कहा कि रिवाइज करो, जिस जगह पे आप फंस रहे हो उसको थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे जाके या गूगल सर्च करके अपना थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट पता कर लो, कॉन्टेक्स्ट पता कर लो, उससे चीज़ें याद हो जाती हैं और कुछ नहीं जी, है ना। और एसएससी वाला बच्चा अपना इस मतलब जो मुझे बताना है इसमें वो यही है कि एसएससी वाला बच्चा अपने हिसाब से ये डिसाइड करेगा उसके पास टाइम कितना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो 6 महीने तक ही कंसंट्रेशन रख पाते हैं उतना अच्छे लेवल पर जो सोचते हैं, उसके बाद फिर छोड़ ही देते हैं जी। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर 6 महीने हैं तो आपको जितना 6 महीने में ज़रूरत है उतनी ही तैयारी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं। अच्छा, तेरे इंग्लिश मीडियम था हिंदी मीडियम था यूपीएससी में? सर यूपीएससी में तो इंग्लिश मीडियम लिया था मैंने 12th तक, लेकिन हिंदी मीडियम ही था मेरा, स्कूलिंग पूरी हिंदी मीडियम में। तो स्कूलिंग तेरी प्राइवेट है गवर्नमेंट स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ा था, 8th के ऊपर प्राइवेट स्कूल अच्छे थे, तो 9th के से तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। तो फिर तूने इंग्लिश की तैयारी कैसे की इसमें एसएससी में, या जरूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें? नहीं सर ऑनेस्टली तो मैंने कोई रेफरेंस लिया नहीं यहाँ, तो एक तो बीटेक था एनआईटी नागपुर, तो वहाँ पे भी क्या ना आपको ना चाहते हुए भी इंग्लिश तो पाला पड़ता ही है। पाला पड़ता है। अच्छा, तो इंग्लिश का तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तुझे कहीं? हाँ, फिर शायद अभी आसान रहा इस समय इंग्लिश। हाँ, और अच्छी बात है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा आसान साइड पर ही आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि आप जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस ठीक है एक बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि इंडिया में रह के हम उस चीज़ के आधार पर जज करने लग जाएं जिसकी शायद इंडिया में ज़रूरत ना हो, उतनी ना है। उतनी है तो सही, क्योंकि ग्लोबल है वो, बट उतनी नहीं हो। नहीं, तो थोड़ा सा इजी भी है। बिल्कुल, देख भी रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश खुद से ही कर ले रहे हैं, और शायद जिनकी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होगी उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं आती होगी। ये भी मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि कई पैसेजेस जो आते हैं ना, और शायद इस बार भी पैसेज काफ़ी लंबे लंबे आए, लंबे लंबे थे, तो कह रहा अगर आप पढ़ेंगे तो दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा जो जरूरी है ना, आपके दिमाग से फोबिया निकल जाएगा, फोबिया निकले, क्योंकि कई बार होता है कि पैसेज लंबा होता है लेकिन उसके जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो इजी होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बट वो दिखने में लगता नहीं डर बैठता है। फिर इसमें तो रीडिंग हैबिट का ही रोल रहता होगा क्या? हाँ, और इसके लिए भी एक सजेशन तो है मेरे पास जो के बता अपनी चीजें जी। एक सजेशन ये है कि आप जैसे आप कोचिंग लेते हैं इंग्लिश वगैरह की, रूल्स के थ्रू बताते हैं, जो कि सही भी है क्योंकि लैंग्वेज अपनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे ना चीज़ें तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके इंट्यूशन से है ना बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी। जैसे तो इसका सजेशन जो मैं बोल रहा था वो ये कि कई आजकल तो है ना डिजिटल मीडिया इतना है, कई ऐप्स ऐसे आते हैं जो आपको समरी प्रोवाइड करते हैं न्यूज़ की, और उसमें होता है ना उसमें होता है कि आप अपने इंटरेस्ट एरिया भी फिल कर सकते हैं कि अच्छा इससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ आए मेरे पास। समझ गया। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अच्छा, अब क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं बचपन से देखता था तो थोड़ा सा उसकी कमेंट्री सुन के भी हुआ फ़ायदा, तो हालांकि ये बात पचेगी नहीं लोगों को। जैसे क्रिकेट है, किसी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट होता है कि गॉसिप्स क्या चल रहे हैं, कई होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो आप क्या ना न्यूज़ अगर उसको न्यूज़ की तरह पढ़ते जाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन आप इंटरेस्ट एरिया वाली न्यूज़ पढ़ेंगे अगर अपनी तो आप इंटरेस्ट लेंगे रोज पढ़ेंगे। यूट्यूब भी तो यही काम कर रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप जिस वीडियो को क्लिक करते हैं फिर लगातार वैसे ही दिखाता रहता है, एल्गोरिथम वैसा ही आता है ना जी। ये यूट्यूब पे भी है ये काम। हाँ, के सेम वही इंटरेस्ट वाली चीज आपको लगातार। हाँ, बट यूट्यूब जो है ना ये, और रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आदत होनी चाहिए कि आप कोई इन्फॉर्मेशन सुनने से ज़्यादा
पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि सुनने से आपका कंसंट्रेशन लंबे टाइम तक नहीं रुकता, इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते आप देखते वक्त, सुनने में थोड़ा सा आदमी हर तरीके की इमेजिनेशन करता है और उसको सेटल भी करता। मतलब आपको किसी को एक्सप्लेन करना है वो चीज़ तो डेफिनेटली ऑडियो जो मीडियम है वो बेटर है, बट आपको खुद को अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो ये जो इंग्लिश के रूल वगैरह होते हैं इतने सारे जी, इनको फिर रटने की जरूरत होती है या बच्चे को वैसे ही बस पढ़ते पढ़ते निकल जाओ? सर मुझे तो, या तुमने पढ़े ही नहीं रूल? नहीं मैं ऑनेस्टली बताऊं तो छठी क्लास में हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था हमको, वही वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव आता है, उसके अलावा रूल्स मैंने पढ़े नहीं थे और इसीलिए मैं कहना इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, चेक किया हुआ है। पहले मैं बोलता था दोस्तों को लेकिन उनको भी ये लगता होगा यार हवा में बात कर रहे हैं, बट मैंने खुद ने देखा था कि मेरा इंग्लिश में स्कोर देखा था मैंने पहले भी जब दिया है तो अच्छा आया, तो फिर मैं समझ गया कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो आप अगेन वही बात है कि आप किस टाइम की बात है, आप अपना जो अप्रोच है उसको रखिए साथ में, जैसे आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें जो आपके इंटरेस्ट एरियाज की न्यूज़ है उनको जितना रेगुलर पढ़ सकते हैं पढ़िए। आपको रियलाइज नहीं होगा लेकिन 5-6 महीने के बाद जैसे होता है ना एरर डिटेक्शन के होते हैं, अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप, तो जैसे मैं अभी हिंदी मीडियम से हूँ तो मान लीजिए मैं कल ही मैंने एक दोस्त को एग्जांपल दिया था, जैसे अनुभूति लिखना है मुझे तो मैं अगर ता के ऊपर बड़ी ही लगा दूंगा तो और वो लिखा दिखेगा मुझे तो मुझे अजीब ही लगेगा, अजीब लगेगा। एग्जैक्टली ये मैं कहने भी वाला था, रीडिंग हैबिट में ये बहुत होता है कि आपको एरर दिख जाता है, दिख जाता है, महसूस हो जाता है, दिमाग काम कैसे कर रहा है, लेकिन वो पता चल जाता है, वो फोटो मेमोरी हो चाहे कैसी भी हो तो आपको पता चल जाता है। वो चीज जो है वो अब मैं हूँ हिंदी मीडियम से इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम कर सकता हूँ कि वो चीज इंग्लिश में भी होती है, बशर्ते आप उसको टाइम दें। नहीं नहीं बिल्कुल, बट आपको साइड बाय साइड रखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और हर एक बच्चे को ना ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। जो ये टॉपर्स होते हैं इनका सबका अपना अलग अलग मेंटल सेटअप होता है, जैसे इसका रैंक 3 आया तो ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, इसकी सिटिंग हैबिट आप समझ ही सकते हो कितनी जानदार होगी, बैठने की ताकत, पढ़ने की ताकत, कंसंट्रेशन पावर, और धीरे धीरे क्या है कि इन्होंने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया होता है हर एक बच्चे ने कि वो कितना टाइम पे कितनी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। और हर एक आदमी के लिए ना चीज़ें अलग अलग बनी हुई है, जो पहली बार ये स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी उसके लिए ये चीज़ें नहीं बनी जो ये बच्चा बोल रहा है, है ना, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई उसके लिए वो नहीं बनी जो दूसरे कह रहे हैं बिल्कुल ही बेसिक। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मेरे बच्चे हैं मैं उनका हमेशा से बताता हूँ, एक गौरव और एक सौरभ था, अच्छा तो जो दोनों ही एसएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सौरभ यादव जो था वो बीएसडी में यूपी में वो यूपीएससी की तैयारी करता था, तो ये शायद 2013 की आसपास की बात है, 2012-13 के आसपास की बात है, तो उस समय 50 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के प्री में जी, 50 मैथ के, 50 रीजनिंग, 50 जीएस, ऐसे थे। तो वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत शैतान होते हैं क्लास में, पहचान में आ जाते हैं, तो वो गौरव बहुत शैतान था, उसके चक्कर में फिर वो सौरभ भी पहचान में आ जाता, तो वो बहुत शांत था। अच्छा, तो एक दिन ऐसे ही हो रहा था तो गौरव से पूछा तेरे मैथ में कितने नंबर आए, तो उसने जो भी उसके आए होंगे बता दिए, इंग्लिश में कितने, जीएस में कितने, रीजनिंग में। फिर मैंने उसे सौरभ से पूछा, उसके इंग्लिश में 50 में 50 नंबर थे उस समय। अच्छा, और इंग्लिश मतलब 50 में 50 लाना एक मुश्किल काम हो जाता था उस समय, है ना भाई, 25 क्वेश्चन में 25 ठीक करना फिर भी एक जेन्युइन है, लेकिन 50 में एक क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ज्यादा। तो मैंने उससे पूछा कि तू कहीं कोचिंग लेता है क्या इंग्लिश की जो तेरे 50 में 50 आए, तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मेरी डेली की हैबिट है कि मैं 1-1.5 घंटा अखबार को पढ़ता हूँ। हाँ। तो बोला मेरा इंट्यूशन ऐसा हो रखा है कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ ना तो मुझे पता चल जाता है कि इस हिस्से में दिक्कत है जी, जी, जी। और जहाँ छटनी है मैं वहाँ से कर लेता हूँ, लेकिन मैटर ये करता है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप उस रीडिंग हैबिट को इतना तैयार कर पाए। इस बच्चे ने कहा कि भाई इसकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी रीडिंग हैबिट एक दिन में तो अच्छी हुई नहीं होगी, इसका भी बैकग्राउंड है, बीटेक किया हुआ है, उसका यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हैं तो अपने हिसाब से डिसाइड करें जी। लेकिन रीडिंग हैबिट मुझे लगता है कि हर एक आदमी को फ़ायदा दे देगी। आप धीरे धीरे से स्टार्ट करिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, जितना आपके पास समय 10 मिनट है तो 10 ही मिनट पढ़िए, शायद एक ना एक वक्त के बाद वो चीज़ें तैयार होती रहेंगी और काम करती रहेंगी जी। मैं मतलब कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि इस पार्ट को आप इनकॉर्पोरेट कर लें अपने रूटीन में। बिल्कुल, और न्यूज़पेपर अगर आपको होता है, बहुत लोगों को बगिंग लगता है कि यार बहुत लंबा है, तो इसलिए मैंने वो सजेशन दिया था कि जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है
आप उससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, वो एरिया कुछ भी हो सकता है, जो मैं यहाँ बता सकता हूँ वो भी, जो नहीं बता सकता वो भी, कुछ भी, कुछ भी, बट आप उसको पढ़िए। और रीडिंग का फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मैं बिल्कुल मतलब ये नॉवल वगैरह कभी नहीं पढ़ता था क्योंकि इनमें इंटरेस्ट जनरेट होता ही नहीं था। और हमारा सब्जेक्ट ऐसा है नहीं जो बोरिंग हो, क्योंकि हाथ से करने वाला काम है तो इसमें बोरिंग इतनी होती नहीं। तो एक दिन मैं विकास सर की कोई रील देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब रीडिंग से बड़ा फ़ायदा होता है और वो ऐसे ऐसे किताबें पढ़ लेते हैं रात भर में। तो मैंने सोचा यार एक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रात में एक किताब पढ़ लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता होगा। लेकिन मैंने उस दिन से डिसाइड किया कि मैं अब किताबें पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो एक राहगीर करके आपने सुना होगा, वो सिंगर भी है गायक भी है, भाई राहगीर हम किस गाड़ी पर चढ़ गए। तो मैंने उसकी किताब ले ली, आहिल नाम की क्या थी किताब, वो नावल मैंने ले लिया। और सिर्फ इस वजह से कि विकास सर ने कहा था कि रीडिंग आप करनी स्टार्ट करोगे तो हैबिट हो जाएगी। मैंने यार उसको पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने एक दिन में मेरे से दो ही पेज पढ़े गए, दो पेज पढ़ने के बाद मैं बोर हो गया। मैंने फिर उसको वहीं मोड़ा पेज को रख दिया। नेक्स्ट डे फिर मैं गया उसको पढ़ने, वही रात को अपना, फिर मैंने दो तीन पेज पढ़े। और धीरे धीरे 10-12 दिन बाद ऐसी मेरी सिचुएशन आ गई कि मेरी रीडिंग हैबिट इतनी बढ़ गई कि अब मैंने और भी बहुत सारे नॉवल पढ़ने स्टार्ट कर दिए जिसमें मेरे को रत्ती भर मज़ा नहीं आता था जी। लेकिन अब जब उसको पढ़ते हैं ना, तो अब ऐसा होता है कि एक दिन में 20-25 पेज आराम से मेरे निकल रहे हैं जी। और मतलब मैं सोचता था कि यार रीडिंग से कौन सी कल्पना शक्ति बढ़ती है, लेकिन सच बात है कि रीडिंग सबसे बेहतरीन तरीका है आपकी इमेजिनेशन पावर को तैयार करने का। क्योंकि रीड आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो ना, तो आप साथ के साथ कुछ ना कुछ इमेजिन भी कर रहे हो उसके पीछे। शब्द कोश बहुत अच्छा होता है सर आपका, बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज का तो शब्द कोश है ना आपका, शब्द कोश से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। और अब मैंने बहुत सारे राइटरों की बुक मंगा ली और अब इंटरेस्ट मेरा ऐसा हो गया कि मैं डेली 2-2.5 घंटे एटलीस्ट देता हूँ। और अब पढ़ने में मज़ा भी आने लग गया और समझ भी गया मैं बहुत सारी चीज़ें, जो पहले मैं लगता था यार बेकूफ बना रहे हैं, कौन पढ़ेगा किताबों को, किसका मज़ा है। लेकिन आज भी मतलब उस चीज़ में उतना ही मज़ा है, उतनी ही ताकत है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और बहुत बार चीज़ों में जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, अगर हम उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं तो उसमें इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो बच्चे SSC वाले हैं खासकर, जो एक महीना बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, भाई आप इस बात को मान लो कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है तैयारी करना का, तो अगर आप लगातार उस पर काम करेंगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद उसमें आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा और आपको एक सही डायरेक्शन भी मिल जाएगी और आप एक सही मुकाम तक भी वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अच्छा, रीजनिंग में तूने पीयूष सर की क्लास ली थी जी सर, फिर प्रैक्टिस कितना रोल प्ले करता है उसमें रीजनिंग में? सर रीजनिंग में तो कल भी पीयूष सर से बात हुई थी, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कहना बिल्कुल कभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी होगा, जैसे मिरर इमेज वगैरह का चैप्टर हो गया जेन्युइन, उसमें ये होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 2-3 सेकंड बचा लेते हैं, वो बिल्कुल वैसे। उसके अलावा एक कैटेगरी होती है जो बिल्कुल इलॉजिकल जो आता है ना, कई बार मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है, और कई होते हैं जिसमें पैटर्न बहुत सारे होते हैं, नंबर सीरीज वगैरह, तो उसमें क्या ना, उसमें आपको ये कि एक बार पैटर्न पढ़ के उसका रिवीजन करना है, लेकिन आपको उसे दिल नहीं लगाना, समझ गया, क्योंकि आपको वो हो सकता है स्किप करना पड़े, आपने बहुत कुछ पढ़ा हो तो पढ़ाओ। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आप क्या ना बहुत टाइम बचा सकते हैं, और अगर आपको टाइम इनफ दे दिया जाए, इफ़ यू हैव गॉट एम्पल टाइम, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप एकेडमिक एग्जाम में नहीं है, नहीं है। हाँ, आई थिंक मेरे पास है कुछ चैप्टर्स थे, अच्छा हाँ देखता हूँ, शायद वो उसमें रखा हुआ है। अच्छा, जैसे कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग एक चैप्टर है। अब रैंकिंग में क्या ना, एक चीज़ थी जैसे कि ये चल रहा है ना, हाँ, जैसे नंबर ऑफ पर्सन और डिस्टेंस जो होता है उसका -1 ऐसा होता है कुछ, ये छोटी चीज़ें होती है ना, आपको 4-5 सेकंड बचाती हैं। इनइक्वालिटी एक चैप्टर था, तो उसमें क्या ना आप 5-10 सेकंड बचाते हैं, बचा लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो ट्रिक पता चल जाती है, तो उसका फायदा। हाँ, तो कई चैप्टर्स में क्या ना, अगर आप, और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मतलब बहुत ही नया चीज़ पढ़ना है, आप ये शायद अब डिजिटल मीडिया का यही फायदा है कि आप जो भी चीज़ें हैं ना फ्रीली अवेलेबल हैं, टेलीग्राम वगैरह पे भी है, कहीं भी जाएंगे आपको मिल जाएंगी, तो कर सकते हैं। बट कोशिश ये रहती है कि जो बिल्कुल बेसिक है मिरर इमेज वाला का, उसमें तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं है, नहीं है। ये जो पार्ट होता है ना, ये कैटेगरी होती है जहाँ पर आपको अगर टाइम पर्याप्त दे दिया जाए तो आप उसको कर लेंगे, लेकिन टाइम नहीं है, तो इस कैटेगरी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि और इस साल पर्टिकुलर, क्योंकि आई थिंक 309 या 310 कट ऑफ गई है इस बार, और रेंज 360 तक गई होगी स्कोर की, बिल्कुल, तो
310 से 360 50 नंबर की रेंज। तेरे टोटल कितने बने? अभी तो सर मार्क्स आउट हुए नहीं, 347 थे वैसे रॉ स्कोर, 3 मार्च था। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो उस कैट के ना इतने कम रेंज में, और इस बार वैकेंसीज भी इतनी थी फिर भी इतने कम रेंज में इतने क्लोजली पैक्ड है लोग, तो आप क्या ना एक दो क्वेश्चन का भी अगर एज ले रहे हैं तो आपको हो सकता है बहुत ऊपर पहुँचा दे। और रीजनिंग में मतलब हमें, मेरे को जो खुद लगता है, जैसे मैं बना एक्साइज इंस्पेक्टर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने रीजनिंग पढ़ी नहीं थी, मैथ पढ़ा था, तो मेरे को मैथ मेरा बहुत जल्दी हो गया, लेकिन रीजनिंग में मैंने बहुत टाइम लिया, एक एक चीज़ को लिखा ए बी सी डी पूरा जेड तक, फिर उसकी नंबरिंग लिखते थे ताकि वो जिग जैग वो मैच करने के लिए। तो रीजनिंग में एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है और वो टाइम आप दूसरी जगह पे दे सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सेक्शन भी ऐसे आ रहे हैं ना, रीजनिंग और गणित साथ साथ आते हैं आपका। और मैथ में तो अगर कोई बड़ी लैंग्वेज है तो उसमें यार टाइम लगेगा ही लगेगा, पढ़ने का तो टाइम लगेगा ही लगेगा, उस टाइम को आप कैसे बचा लेंगे। तो टाइम मुझे लगता है भाई मैथ में भी अगर हम बात करें तो कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जहां बहुत जल्दी से टाइम बचा सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं कि उनका एक मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन को, उतना वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन रीजनिंग उस चीज़ की मेहनत कर लेता है और आपको वो उतना ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है कि आप शायद कुछ क्वेश्चन है ना आप कॉमन तरीके से कर पाए। और कई बार क्या होता है दबाव भी होता है, वो जो क्लास में सीखा हुआ वो मेथड अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो आप जिस भी मेथड से उसको एटलीस्ट कर जाएंगे। हाँ वही है कि आप या तो सीधा सीधा क्वेश्चन सही करेंगे, नहीं तो आप किसी और क्वेश्चन के लिए शायद टाइम बचाएंगे उसमें। और होता क्या है कि अभी जैसे हम भी बहुत सारे बच्चों से मिल रहे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उनसे बात कर होते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि मैथ बहुत अच्छा है या इंग्लिश बहुत अच्छा है, जीएस को वो बस ऐसे सोचते हैं कि 4-5 मिनट में ख़त्म करना है क्योंकि उनको जीएस बहुत अच्छे से आता नहीं है जी। और मुझे ये लगता है कि जीएस को भी उसके अकॉर्डिंग टाइम मिलना चाहिए ताकि आप ऑप्शन से कुछ ना कुछ छोटा मोटा चीज़ें निकालें, छोटे छोटे एलिमिनेट करें, और जीएस के साथ इतनी जाती नहीं होनी चाहिए कि खटाखट जो आ रहा निकालो नहीं तो तुक्का मारो, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके दो कारण और मुझे लग रहे हैं कि अब क्यों जीएस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो पहला कारण ये कि पहले से प्रीलिम्स में आता था ये, तो इसका जो ओवरऑल वेटेज था वो भी कम होता था, प्लस क्या ना 25 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे जो शायद रेयरली किसी को पता होंगे, तो वो डिफरेंस भी क्रिएट नहीं करते थे उतना। तो एक तो इसका वेटेज बढ़ गया है, आई थिंक 20-25% कुछ हो गया है। दूसरा एक कारण जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर थोड़ा सा मुझे लगा कि एनालिटिकल टाइप, जैसे कि वन लाइन फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपके पास अगर 60 सेकंड है और आप तेजी से पढ़ पा रहे हैं तो हो सकता है 20-30 क्वेश्चन कर जाएं क्योंकि आपको आता है नहीं आता। बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें फिर ऑप्शन ऐसे हैं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है, 1 और 2 only, 2 और 3 only, तो उसमें है ना आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे समय देना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, बिना अगर आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में नहीं भी पता तो भी आप करेक्ट आंसर तक निकाल सकते हैं। और गलती बच्चे बहुत सारे मेरे को लगता है वही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, उसको टाइम दे दो क्वेश्चन के, उसके ऑप्शन को पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ कहीं ना कहीं से। एटलीस्ट मेरा कहना वही है कि जहाँ आप 25% तुक्का लगा रहे हैं वहाँ उसको 25-30 कुछ ना कुछ तो बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ा सा तो सोच समझ के तुक्का लगाया जा सकता है। और अब तो आई थिंक टाइम का इतना इशू होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंग्लिश और वो साथ में है, साथ में तो इंग्लिश में आप 45 मिनट आई थिंक टोटल 70 मिनट मिलते हैं शायद। अच्छा इंग्लिश मेंस में कैसी थी, आसान थी कि मुश्किल थी? मेंस में सर इस बार मुझे वो जो आते हैं ना वो ABCD जिनमें ऑर्डर रीअरेंज करना होता है, PQRS जिसे कहते हैं, वो मुझे लगे इस बार उनका स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। अच्छा उनका ठीक था, तो उसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट या प्रैक्टिस की? अगर आपने कोचिंग ले भी ली ना तो भी विदाउट प्रैक्टिस तो आप उसमें कंफर्टेबल हो नहीं पाएंगे, तो अटमोस्ट प्रायोरिटी तो आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि वो लिंक्ड है आप क्या ना, आप जैसे मैंने बताया पढ़ रहे होंगे ना तब, तो आपको क्या ना एक न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पहले इस तरीके से एक लाइन लिखी जाती है उसके बाद दूसरी लाइन आती है। और ये लोग क्या करते हैं PQRS खुद से तो बनाते नहीं है, कहीं ना कहीं से एडिटोरियल से कुछ ना कुछ निकालते ही होंगे, तो आपको क्या ना वो एक नैक जो होता है वो डेवलप हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस अटमोस्ट है, कोचिंग के क्वेश्चन पे मैं अच्छे से बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं, है नहीं। अच्छा आपने इंग्लिश की कहीं कोचिंग ली नहीं? जी। देखो मुझे भी मतलब मेनली ये लगता है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से आपकी इकोनॉमिकल कैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से, लेकिन एक स्टेज के बाद मैटर जो करेगा ना वो आपकी प्रैक्टिस करेगी। और कहीं ना कहीं मैं आपको लेके फिर से वहीं जाऊंगा कि एक रीडिंग हैबिट तैयार हो जाए ना, अगर आपका टारगेट SSC सीजन इंस्पेक्टर बनना और आपके पास अगर 1-1.5 साल है, 1 साल भी अगर आपके पास है, तो मुझे लगता है डेली आप 20-25 मिनट निकाल के अगर उस रीडिंग हैबिट की तरफ चले जाएंगे तो शायद आपको फ़ायदा मिलेगा, और ना केवल GS में
आपको इंग्लिश में भी फ़ायदा मिलने वाला है और जी इसमें भी बहुत जगह आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लिक होती है जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा होता है। कई बार रियलाइज नहीं होता क्योंकि खुद को नहीं पता होता लेकिन फ़ायदा मिल रहा होता है, लगातार मिल रहा होता है। अब रियलाइज नहीं होता तो लोग क्या ना कि तीन महीने बाद सोचते हैं यार कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। बट मैं मतलब मैं इसके लिए क्लेम ले सकता हूँ, आप छः महीना कीजिए उसके बाद मुझे आगे गाली दीजिएगा और ये चीज़ काम ना करें, ना काम ना करें जी। रीडिंग वाली ना जी, रीडिंग वाली ज़रूरी है और ये प्रूवन भी है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को करते हैं। और अच्छा एक चीज़ मुझे और बता कि तुम तो सिंसियर स्टूडेंट रहे हो, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम इस पे जो टाइम वेस्ट होता है उसको तुम बचाते कैसे थे? इंस्टाग्राम तो सर है नहीं मेरे पास। कर बहुत बढ़िया, पापी मिटा रखा। हाँ बट इंस्टाग्राम की जो बीमारी थी वो अब तो यूट्यूब पे भी आ गई है, शॉर्ट्स वाली। शॉर्ट्स वाली एग्जैक्टली, वो बीमारी है जिसने 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के सबको कैप्चर कर लिया है। बाकी यूट्यूब पे, यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का जो मेरे हिसाब से एक तरीका है वो ये है कि आप जब भी यूट्यूब पे जाएँ, आप एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट ये करके जाएँ कि आप किस पर्पज से वहाँ गए हैं, उस एक वीडियो को देखें। अगर आपको बिल्कुल पता है कि वही वीडियो देखनी है तो उसी को देखें, नहीं तो सर्च रिजल्ट में जो पहला पेज आता है ना उसी में से कोई एक वीडियो देख के उसको बंद करें, बंद करें। और ये चीज़ें हैं भी ऐसी, सोशल मीडिया निकम्मा बना रही है आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान को ही। जो मजदूर भी मजदूरी कर रहा है वो भी पूरे दिन उसी में लग रहा है मजदूरी के साथ साथ, जो प्रिंसिपल बना बैठा है स्कूल में, जो इंस्पेक्टर बना बैठा है, मिनिस्टर भी है, सब आजकल उसी में समय खराब कर रहे हैं। हाँ मैंने देखा है सर, मतलब नाम तो क्या, मैंने देखा है कि MLAs जो होते हैं उनको हाँ हाँ जिसका सबको चढ़ा हुआ है, हम तो देखते हैं मिलते हैं लगे रहते हैं उसमें सारे। और ये भी एक किस्म का नशा है, और इस नशे का अच्छी बात क्या है कि तुम खुद ले नहीं रहे और तुम्हें पता नहीं कम ले रहे, इसी को एडिक्शन और ऐसी एडिक्शन हो जाता है। मुझे कुछ एनवायरनमेंट सोशलिस्ट वगैरह आए थे, वो मेरे को इसके बारे में बता रहे थे कि सर ये बहुत सोची समझी चीज़ें हैं और टाइम टू टाइम कभी टिकटॉक आया, कभी कुछ है, अगर आप लोग इससे बोर होंगे तो इसके बाद कुछ ना कुछ आगे लाने की तैयारी है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये भी हो रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आपको दिमागी रूप से गुलाम भी बनाया जा रहा होता है, एक परसेप्शन भी तैयार किया जा रहा होता है आपके, जो आपको खुद नहीं पता और आपका परसेप्शन तैयार हो जाता है वहाँ जी। तो वहाँ पे मुझे विकास सर की वो बात याद आती है कि रीडिंग करो यार, उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो साइड बाई साइड कुछ आएगा नहीं, है ना, एक जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद पढ़ने वाला हिस्सा 10% है लेकिन 90% हिस्सा मुझे लगता है जो आप इमेजिनेशन आप बना रहे हो अपनी, जो कल्पना करने लग रहे हो किसी चीज़ की कि वो उस बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा था, उसके बाद की कल्पना तो आप ही कर रहे हो, तो बस को भी कौन लोग खड़ा है वो सारी, तो वो ज़्यादा बेटर है और उसमें मज़ा भी है। एक चीज़ सर, एक चीज़ और है शायद काम कर जाए, मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्शन तो होता था, जैसे अगर आपकी एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो ठीक है, लेकिन अब 4 महीने बाद है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हो, उसमें आप ये कर सकते हैं, उसमें थिएटर मोड आता है शायद एक यूट्यूब में, उसमें साइड के सजेशन जो होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, वो स्क्रीन उस पूरी आ जाती है, पूरी आ जाती है, तो आप ट्राई करेंगे शायद हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए उसका। और दूसरा ये ना कि एंटरटेनमेंट के अपने हर एक के अलग अलग रास्ते हैं, जैसे मेरी एक हैबिट है कि अगर कोई ठीक ठाक सी फिल्म आ रही है ना तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं देखता ही देखता हूँ, तो YouTube पे टाइम वेस्ट मत करो, आपने जाना है तो 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी वो मूवी है उसमें आप डेडिकेटेडली चले जाओ, वहाँ आपकी वो फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी, आपका जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है जी। कुल मिला के ये मीनिंगफुल वे में लेके चले जाओ उसको। ये बहुत है क्योंकि आप 15 सेकंड का जब देखते हैं ना आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन आप उसको 5-7 महीने देखते रहेंगे ना। अब जैसे पहले लोग मूवीज देखते थे, फिर यूट्यूब पे क्या ना 10-12-15 मिनट की वीडियो आने लग गए तो उनको छोड़ के वो देखते थे, अब क्या है ना जो 10 मिनट की भी वीडियो कोई होगी ना मुझे पता नहीं इसको भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो उसमें भी शॉर्ट्स देखने लग गए लोग। अच्छा एक चीज और भी है, इस शॉर्ट्स की वजह से एक और भी बीमारी हो गई है, क्या पेशेंस खत्म हो गया। मैं वही आ रहा था कि उससे हुआ गया ना आपको पता नहीं चला, लेकिन जो पेशेंस लेवल है ना आपका, पेशेंस लेवल हो गया फिर एंड्योरेंस लेवल बोल लो इस चीज को, वो नीचे जाता जा रहा है। अभी सच ये है कि जैसे मैं भी YouTube पे लगातार रहता हूँ अब तो, जैसे 1 घंटे का लेक्चर डाला तो हम भी उसमें देखते हैं, जो लाइव है उसमें तो बच्चे जुड़े रह जाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड है अगर हम कोई लेक्चर डाल रहे हैं ना तो बच्चा शुरुआत के आ रहा है 5-10 मिनट देख रहा है फिर निकल जा रहा है, फिर आ रहा है फिर जा, मतलब जो आ रहा है ना वो लगातार देखने की प्रवृत्ति अब है नहीं, और बच्चे में इतनी शायद हिम्मत है भी नहीं कि वो लगातार 1-1.5 घंटे देख ले जब तक वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड ना हो। ये सब बड़ा ड्रॉबैक, और ये पैदा किया जा रहा है धीरे धीरे हमारे अंदर, पैसा मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं लोग, बट ये क्या है ना, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि
जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में इसका असर हो रहा है। हम तो खैर पढ़ाई वाले ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों पे भी हो रहा है, पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। एक वक्त ऐसा हुआ कि जब ये मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया, इंस्टाग्राम मेरे में अभी मैंने किया है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब का मैंने भी एक वक्त पैसा आया कि पूरे पूरे दिन क्लास के बाद लगे रह जाते, उसी को देखते रहते, उसी को देखते। जब वो 10-15 दिन मेरे बीत गए तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो साला बर्बाद कर देगा पूरी तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि आपका छूटता ही नहीं है। आप देखने कुछ और गए, थोड़ी देर बाद चला कहीं और जा रहा है, हाँ। और आप उसके बैकग्राउंड में चीजें देखते चले जा रहे हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है वो चीजें। पर्पस मतलब यूट्यूब पे जा रहे हैं अगर स्टडी पर्पस है तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, नहीं तो स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए हम जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, बड़ा टफ है कि यार आप उससे एंटरटेन हो रहे हो। बेसिकली कोई और है जो आपको ऊपरी स्तर से बांधे हुआ है, आप उस चीज़ को पहचान ही नहीं पा रहे कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल कोई और करने लग रहा है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, मूवी देखिए, किताबें पढ़िए, नाटक वाटक देखने चले जाइए, और धीरे 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 उस तरफ अपने आप को मूव कर लीजिए, और इन पे शॉर्ट्स पे और ये फालतू के मोटिवेशन पे अपने आप को बचाइए, वो जरूरी है। ये सर आपकी ये बात जो थी ना ये बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप कोशिश कीजिए कि आप एक मूवी पूरी देखें, मूवी नहीं कोई वेब सीरीज उठाइए जिसमें आधे घंटे के 2-3 एपिसोड ही हो, भले ही 10 मिनट से कम का ना देखें तो बेटर है, और वैसे तो कम ही देखें। देख रहे हैं तो थोड़ी सी लंबी चीज देखने की कोशिश कीजिए, आपको पढ़ाई में और इवन लाइफ में भी फर्क पड़ा जाएगा। अब यार देखो परसेप्शन हमारा कैसे तैयार होता है, अच्छी मूवी नहीं, जैसे मैंने मिर्जापुर देखी, मतलब मिर्जापुर देख के हमें ऐसा लग रहा है कि वो किरदार इतने बढ़िया है, हम उसकी तारीफ ही करते रहते थे क्लास में, मतलब एक गलत चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, ऑरा क्रिएट किया ना, ऑरा क्रिएट किया। तो अब इतनी तो हमारी समझ शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी उस चीज में ना जाएं, और जो जेन्युइन चीज़ें जो देखनी है उतनी ही देखें और इस बीमारी से दूर रहें। अच्छा दूसरा मुझे 2-3 चीज़ें और बता, तो मेरी पर्सनल है ये जी, लेकिन मैं डालूंगा यूट्यूब पे इसे। एक तो ये कि कैरेवल ऐप के बारे में तुझे पता है किसने? सर ऐप मेरे दोस्त थे कुछ जो कर रहे थे एसएससी का प्रिपरेशन। अच्छा एक दोस्त है मेरे संजय जागेट, बढ़िया दोस्त हैं, उन्होंने बताया था, लेना था मुझे, क्योंकि ऑनेस्टली वही मेरे सोर्स थे जो मुझे एसएससी का कुछ भी मटेरियल वगैरह कुछ देते थे, वही सोर्स थे। तो उन्होंने ही बताया था। अच्छा ऐप जब डाउनलोड किया और आज तक में आपको कौन सी ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ लगती है कि आपको हमें कोई सलाह देनी हो कि सर ऐप में ये चीज़ें ठीक करो, या ये बहुत अच्छी चीज़ है इसको ज़्यादा आगे बढ़ाओ, इसी में कुछ आगे करो, या कुछ मतलब जो भी तेरे सजेशन हो जेन्युइन हो बताना। सर एक यही एस्पेक्ट था, मैं कल रात को बैठ के सोच ही नहीं पाया इस बारे में, बट मुझे कुछ भी होगा तो मैं आपको मेल करूंगा, आई होप आप देखेंगे उसको। मैं बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे के कि अब वीओडी तूने लिया था तो टीचिंग तूने तो 2x की स्पीड पे रगड़ा होगा सारा। सर टाइम भी इतने टाइम इतना ही रहता है, तो फिर भी तूने उसको 2x पे देखा, तो 2x पे भी मेरी तो 1x की जैसी स्पीड आती, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बहुत धीरे धीरे, तो बोर भी हो गया होगा उसमें तो। नहीं सर बोर नहीं, वीओडी का फायदा ये है ना कि अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है तो आप उसको आगे जा सकते हैं। अच्छा अगर टीचिंग में कुछ सुधार आपको लग रहा हो एज ए स्टूडेंट, कोई मेरे को सलाह देनी हो कि सर आप थोड़ा सा ये चीज चेंज कर लीजिए या इसको बदल लीजिए या ये इंसर्ट करिए। नहीं सर मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आपसे 10-15 दिन पढ़ के आपको सलाह देने लग जाऊँ, ऐसा नहीं है। और मुझे आपकी चीज अच्छी लगी थी वो ये लगी थी कि जैसे मैं समझ सकता हूँ ये बात कि आपके पास बहुत वाइड ऑडियंस है, आपके पास वो लोग भी है जिनको जस्ट ब्रश अप करना है और वो भी है, तो कई चैप्टर्स थे ऐसे जो मुझे लगे कि आपने क्या ना काफी ग्रेजुअली उनका लेवल ऊपर किया, तो मैं किसी ऐसे को भी सजेस्ट करूंगा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, तो शायद वो भी उसके दिमाग से फोबिया निकल जाए मैथमेटिक्स का शायद। अब वो एक मजबूरी एक टीचर के लिए ना हमेशा रहती है कि आप स्पीड एकदम उठा भी नहीं सकते और वो दोनों तरफ से बैलेंस हो भी नहीं पाता, क्योंकि जिनका जैसे तुम लोग थे तुम्हारा बेसिक ठीक होगा तो तुम्हें शायद इतना पसंद नहीं आता होगा, धीरे 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 ऊपर चढ़े लेवल को बढ़ाएं। बच्चे चाहते हैं जिनका बेसिक ठीक हो खटाक से चीज़ों को आगे लेके चले जाएं, बट वो तो रहता ही है कि सारे बच्चों को मैनेज करना होता है। वीओडी है कि अपना 2x की स्पीड पे देख लो। दीपक और तो कोई सवाल नहीं है ऐसा जो बच्चों का हो जो पूछना चाहिए इस बच्चे से? अच्छा प्री और मेंस की स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट बनाते हो या बस जनरल जो तैयारी चल रही है? नहीं सर अब तो मुझे लगता नहीं कि अलग की जरूरत है क्योंकि सब कुछ सेम हो गया है। सेम हो गया। हाँ एक कुछ है मेरे कुछ सुझाव हैं। बता बता। हालांकि मुझे पता नहीं कितना ध्यान दिया जाएगा इस पे। एक मुझे लगता है कि जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ना कंप्यूटर का, इसको अगर वो लोग प्रिलिमिनरी स्टेज पे ले लेना तो बेटर है, क्योंकि मेंस में आप उन चीजों को रखिए जो जिनके पे आपको इवैल्यूएट करना है पर्सन। लास्ट स्टेप होना चाहिए वो आपका। अगर आप ऐसा है कि
लास्ट स्टेज पे जाके कंप्यूटर में बाहर कर रहे ना, वो तो बेटर होता है कि आप पहले बाहर कर लेते, बंदा कंप्यूटर तैयार कर लेते जी। और इस बार कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे फंसे भी हैं, बहुत बच्चे फंसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कंप्यूटर पे जाके आखिरी में फंस गए, है ना। और तो एक चीज, मैं सिंस मैं अपने रूरल एरिया से आता हूँ, अब तो खैर चीज़ें बदल रही धीरे धीरे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस रिजल्ट ने जहाँ मुझे हेल्प किया वो ये है कि आपको एक स्टेज के बाद है ना सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं कि शायद इसको बता डिटेल में। हाँ, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। आपको ये डाउट्स आते हैं कि आप यहाँ से हैं तो एक लेवल तक कम्पीट कर सकते हैं आप। हाँ। जैसे आप बिल्कुल ही अगर बिल्कुल गांव के इंटीरियर से आपको लगता है कि यार मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरी तरह हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल गांव वाले एरिया में नहीं हूँ, टाउन था हमारा, बट दो साल पहले तक तो केक भी नहीं मिलता था वहाँ पे अब तो अच्छा हो गया। अच्छा। वहाँ पे आगे आपको लगता है कि शायद आप स्टेट लेवल तक शायद कम्पीट कर जाएं, और सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं ऑल इंडिया कम्पीट कर रहा हूँ यार, कुछ होगा नहीं। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि नहीं, अगर आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे और आपके पास सही प्लानिंग रहेगी, आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में रहेंगे ना, तो अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे मोनोपोली हुआ करती थी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग हैं कि है ना, कि टॉप पे तो हम ही आएंगे, आप लोग एक रैंक लेके रख लो बस, ऐसा नहीं है, उनकी मोनोपोली ख़त्म है। और डिजिटल मीडिया का बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और हम भी आप लोगों से जो इस समय जुड़े हुए हैं वो इसी मुहिम के साथ तो जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया के थ्रू, तभी तो आप इन स्टूडेंट्स से आप मिल पा रहे हैं, वरना तो ये दायरा बहुत सीमित होता, 50, 60, 100, 200 बच्चे भी हम क्लास में बैठा के बात कर रहे होते इस बच्चे से, लेकिन आज आप रैंक 3 वाले बच्चे के सारे विचार जान पा रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया के थ्रू ही मुमकिन हुआ है। तो अगर इसको कंक्लूड करना चाहें हम इसको, तो मैं 2-3 चीज़ें ही आपके साथ कहूँगा। पहला ये कि थोड़ा सा पेशेंस लेवल को मेंटेन करिए, और उसको मेंटेन करने के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। पहला ये यूट्यूब की शॉर्ट्स कम से कम देखना पसंद करिए। ये बड़ा मतलब मुझे जो लगता है कि इतना आसान है नहीं कि हम ये कह दें कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए ये शॉर्ट्स देखते हैं इंस्टाग्राम या इन बाकी चीज़ों पर। आप एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी देखते हैं, लेकिन उसके बाद आपको खुद नहीं पता होता कि आपको कोई और काबू कर रहा है, और जो वो दिखाना चाह रहा है धीरे धीरे आपको वहाँ पे लेके चला जाता है। तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, अपने कुछ ठीक सी हैबिट तैयार करिए। जैसे मैंने अपनी हैबिट तैयार की कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जिसमें मुझे रत्ती भर भी नॉवल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब मैं अच्छी खासी किताबें पढ़ रहा हूँ और मेरी स्पीड ठीक ठाक हो गई है। और मैंने अपने जीवन में अभी तक 2 नाटक देखे हैं जो एक्चुअल प्ले हो रहे थे जी। वो भी सर सिर्फ ये विकास सर ने जो 2-3 बार तारीफें की हैं उस पर प्ले वगैरह की, तो मुझे लगा कि देखने चाहिए। पहला देखने गया तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो फिल्म देखने में और उसमें बड़ा दिन रात का अंतर होता है। एक प्ले हुआ, छोटा सा टुकड़ा हुआ, फिर स्लो चलता है वो बंद, लेकिन फिर दूसरा मैंने देखा, अभी मैं कहीं था तो वहाँ मैं देखने गया। अब धीरे धीरे मेरा वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और अल्टीमेटली मैंने ये समझा कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल चीज़ों को अपने सामने होते देख रहे हैं जी। तो मुझे लगता है यहीं से आपके व्यवहार में भी ठंडापन आएगा, आप संतुलित भी रह पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप जो पेशेंस है ना, उस पेशेंस को मेंटेन कर पाएंगे। जहाँ तक हो सके इस शॉर्ट्स वाले बीमारी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालिए। अब जैसे यही वीडियो है, तो आप खुद से एक बार अंदाजा लगा के देखना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पूरा 1 मिनट तक देख रहे हैं, 2 मिनट तक देख रहे हैं, 10 मिनट तक देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। हिम्मत लाख बच्चे अगर इसको एक दिन में देखेंगे तो 100 से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो बिना रुके इस पूरी वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो ये पेशेंस लेवल है, और ये आपका खराब किया हुआ नहीं है, किसी और ने ये काम आपके लिए किया, और ये बहुत बड़ी एक मतलब गेम प्लान है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग को कब्जाया जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा 200-250 साल में, उतना शायद यूट्यूब और ये अमेजन एक दिन में सेल करके चले जाते हैं। जब तक दुकानदार का शटर नहीं उठता है तब तक ये 800-800 करोड़ की बोनी कर जाते हैं पूरी। डेटा कंपनीज राज कर रही हैं सर, राज करें जेन्युइन डेटा। आज के टाइम में पैसे से बड़ी वैल्यू डेटा की है, और वही आपके दिमाग को सारी तरीके से घुमा रही है। तो ये मर्जी आपकी है, सोच आपकी है कि आप किस तरीके से उसको ले जाना चाहते थे। एक सर मैं एक इंटरप्शन के लिए सॉरी, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। मुझे कल 2 लोग मिले थे कि उन्होंने कहा ना, वो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और 2 महीने बाद CGL का है, वो टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। अब वो देखते हैं कि अरे यार हमसे तो हो ही नहीं रहा। तो अगर आपने चालू की ना जर्नी, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इतना हार्श अगर खुद पे हो जाएंगे ना कि अरे यार तुरंत नहीं होगा। आप पहले रेस के लिए तैयार होंगे, वो जो बिहाइंड द सीन वाला काम होता है, आप पहले रेस के लिए तैयार होंगे, उसके बाद आप सोचिए कि रेस में मैं कम्पीट क्यों नहीं कर रहा।
आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया हुआ, आपने जो बेसिक स्टैटिक जीके नहीं पढ़ी हुई है या फिर बेसिक स्टैटिक ट्रिक्स जो होते हैं रीजनिंग मैथ्स के वो नहीं किए हुए हैं, उसके बाद अगर आप कम्पीट करेंगे तो आप डीमोटिवेशन के शिकार में आने वाले हैं। और ये जेन्युइन है, और इसका बच्चे से भी ज़्यादा ना हमको परेशानी झेलनी पड़ती क्लास में। मैं एक्चुअल एग्जांपल से समझाता हूँ तुझे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रैंक वन वाले बच्चे हैं, उनसे बात होती है तो कहते हैं सर हमने आपको क्लास में कभी कमेंट किया ही नहीं। लेकिन हमारे क्लास में कमेंट सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सर ये सवाल तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब सवाल का 10% ही समझाया तभी तक कमेंट कर लेते हैं, वो पेशेंस है ही नहीं, हिम्मत रोकने की है ही नहीं। और ये भी तय है कि एक बार में किसी को 100% चीज़ें समझ नहीं आती, और धीरे 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 ग्रेजुअली उस पर मेहनत करते करते ना सबको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना। एक दिन किसी को भी नहीं आती, ये तय है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैंने अपनी लाइफ में खुद सीखा है कि पहले क्या होता था जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हर एक हम भी आज भी सीख रहे हैं अपनी आदतों से भी, तो हमेशा ये रहता था कि पहली क्लास में जाके ना ठीक से सवाल करा दो ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि लेवल क्या है एसएससी का। लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो क्विट कर जाते, बाहर निकल जाते, अरे यार ये तो समझ ही नहीं आएगा, लेवल ऊपर चला गया, हमारे रीच से बाहर है, बाहर है, बाहर है। एग्जैक्टली। तो अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ चीज़ों पर, पेशेंस रखो यार। जितना आया उससे नेक्स्ट डे आपको कुछ ना कुछ बढ़ाने की कोशिश करनी है। और टेस्ट सीरीज़ को लेके हमने कल ही एक लॉन्च किया, इलाहाबाद हमारा सेमिनार था वहाँ पे प्रयागराज, तो हमने एक अपना नया ऐप लॉन्च किया टेस्टिंग के नाम से। और उस ऐप में मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ कि हर चैप्टर की हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, पूरे कंप्लीट टेस्ट की तो टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। और चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट वाइज भी मैं टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूँ ताकि जो पीछे भागने की आदत है ना यार ये हमसे नहीं होगा, वो धीरे 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 आपकी कम हो, और हम आपको उस टेस्ट के थ्रू ये समझा पाएं कि आपको इस पोर्शन पे थोड़ा काम और ज़्यादा करना होगा। हम टेक्नोलॉजी को सही मायने में आपके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम उसको एक नए ऐप टेस्टिंग के थ्रू लेके आए। तो पहला आपको पेशेंस रखना है, सोर्स वगैरह से दूर रहना है। दूसरा पहले ही में ही आता है ये पेशेंस वाली चीज़ कि आपको मेहनत तो भाई लगातार ही करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें होंगी। दूसरा जितना संभव हो सके रीडिंग हैबिट को तैयार करिए, अगर आपके पास समय है तो। अगर आप 5-6 महीने के लिए 7-8 महीने के लिए आए हैं तो शायद रीडिंग हैबिट में आप समय ना लगाएं, लेकिन अगर आपके पास लगभग 1 साल है तो आप रीडिंग हैबिट पे ज़रूर वक्त बिताएं। कोचिंग करना कतई ज़रूरी नहीं है। कोचिंग करने से बस ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ किसी दूसरे ने बहुत मेहनत करके तैयार हुई है वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है। और ऑनलाइन कोचिंग आज के टाइम में बहुत आसान है, बहुत सस्ते सस्ते फीस में आपको अवेलेबल हो रही है, 1,000-1,500-500 रुपये में मिल रही है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। तीसरा पॉइंट जो मैं, चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो कोशिश करिए कि आप अपने रूम पे वो रीडिंग हैबिट नहीं तैयार कर पा रहे हैं, ग्रुप में रीडिंग हैबिट तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए कहीं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग कम से कम मिले और आसपास ऐसे लोग मिल जाएं जो पढ़ रहे हों ताकि उनको देख के माहौल कुछ बन जाए। और धीरे धीरे अगर पढ़ने का मन भी नहीं लग रहा ना तब भी आप सिर्फ बैठने की आदत डालिए, धीरे धीरे आप बैठना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू करेंगे, कंसंट्रेशन भी बनाएंगे और चीज़ें ठीक होती रहेंगी। और पांचवी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी हेल्थ को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे लीजिए। तैयारी करने में उस जुनून में इतने पागल मत हो जाइए कि आप अपनी हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा खाना खाएं, सुबह शाम जब वक्त मिले घूमने फिरने जाएं। जो हमारी बात हो रही थी कि एंटरटेनमेंट का एक साधन यूट्यूब, तो एंटरटेनमेंट का एक साधन ये भी है कि आप रनिंग लगाने चले जाएं, आप खेलने चले जाएं, खेल से बढ़िया क्या एंटरटेनमेंट वो अगर आप कर सकते हैं। आपके पास 3 लोगों का भी ग्रुप है ना, दो लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। और अभी यहाँ मुखर्जी नगर में ही बच्चे रहते हैं, मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में बच्चे वॉलीबॉल खेलते रहते हैं पीछे संध्या निरंकारी में। खेल से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मन भी काम करता है, आत्मा भी काम करती है, शरीर भी काम करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बच्चे का भी धन्यवाद। और ऐसे बच्चों से आगे गाइडेंस लेने के लिए आप इन बच्चों के जितने भी विचार हैं इसको 2-3 बार पढ़िए, और इनके खुद भी जो सोशल मीडिया वगैरह लिंक है उस पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनसे कभी पर्सनली मिले तो वहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। थैंक यू, और थैंक यू मेरे बच्चे आपको भी। थैंक यू, थैंक यू।